बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो आज हम पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियोट्स मीन न्यूक्लस, वो न्यूक्लस जो बहुत पहले का हो, और ट्रू न्यूक्लस हो जिनको हम यू मीन्स ट्रू और कैरियोट्स मीन न्यूक्लस, वो न्यूक्लस जो बिल्कुल ट्रू हो। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 3.5 बिलियन पहले जो है वो इवॉल्व हुए और 2.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए। मींस के बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो ये प्रोकैरियोट्स हैं जो कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं, और 2.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए जो इनके बाद इवॉल्व हुए। इनके पास नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं हैं, इसीलिए हम इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, क्योंकि इनके पास वैसा ट्रू न्यूक्लस नहीं है जो एक सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लस होता है, इसीलिए हम इनको ट्रू न्यूक्लस नहीं कह सकते। हम इनको न्यूक्लिक मटेरियल कहते हैं कि भाई इनके पास न्यूक्लिक मटेरियल होता है, वो एक रीजन में ही कंसंट्रेटेड होता है, एक रीजन में ही होता है, और उस रीजन को हम न्यूक्लॉइड रीजन कहते हैं। और इनकी आप लोग देख सकते हैं कि इस न्यूक्लस हम इनको नहीं कहेंगे, हम जस्ट इनको न्यूक्लिक मटेरियल कहेंगे, जो एक प्रॉपर इनकी कोई शेप नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं है। इस वजह से जिस रीजन में ये न्यूक्लिक मटेरियल है उस रीजन को न्यूक्लॉइड रीजन कहते हैं जस्ट। और यूकैरियोट्स का तो आप लोगों को मालूम है, जो कि न्यूक्लस वगैरह के टॉपिक मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, तो वहाँ से आप लोग देख लें। अगर आपने नहीं देखा तो ट्रू न्यूक्लस जो है वो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। मीज़ोसोम्स के इनके पास जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल कह सकते हैं हम इनको, के मीज़ोसोम्स होते हैं। इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इनको कहते हैं। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह कहते हैं कि यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा, ये दरअसल इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, और ये कैप्सूल है। कैप्सूल जो है वो इनकी आउटर कवरिंग होती है, जो कि इनको एक्सटीरियर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। और ये सेल वॉल है, और सेल वॉल ऑप्शनल है, किसी बैक्टीरिया में होता है और किसी बैक्टीरिया में नहीं होते सेल वॉल। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लाजमी होते हैं इनके अंदर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स होती हैं उनको हम मीज़ोसोम्स कहते हैं, और ये मीज़ोसोम्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन बैक्टीरिया के लिए। ये रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इन्हीं से होता है। रेस्पिरेशन आपको पता है एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस भी इनके थ्रू होता है, मीज़ोसोम्स के ज़रिए ही ये थ्री प्रोसेस होते हैं इन मीज़ोसोम्स की वजह से। और नाइट्रोजन फिक्सेशन ये प्रोसेस इस तरह से होता है कि ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को अमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं इनके पास, इन मीज़ोसोम्स की वजह से ही ये होता है, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एनीवेज। और यूकैरियोट्स के पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट मैं इसमें आप लोगों को समझा चुकी हूँ, जिसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस जो है वो इनका क्लोरोप्लास्ट से होता है, जिनके पास ट्रू ऑर्गेनल्स होते हैं जो यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है। और इनके पास जो है वो सेल वॉल होता है, सेल वॉल यूकैरियोट्स के पास भी होता है, बट इनका सेल वॉल और यूकैरियोट्स का सेल वॉल बहुत ही चेंज होता है। किस तरह से चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर ये बनी होती है, इनकी सेल वॉल की कंपोजिशन पेप्टाइडोग्लाइकेन से होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जिसके अंदर पेप्टाइड कहते हैं हम अमाइनो एसिड के बॉन्ड को, अमाइनो एसिड चेन की एक बॉन्ड होती है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमाइनो एसिड जो हैं वो प्रोटीन के यूनिट्स हैं, तो प्रोटीन्स और ग्लूकोस की चेन जब आपस में मिलेगी तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन बनेंगे, और ग्लाइकेन ग्लूकोज की चेन को कहते हैं। इसकी मीनिंग ये हुई कि इनके पास जो इनका सेल वॉल है वो प्रोटीन और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, और जबकि इनका सेल वॉल यूकैरियोट्स का जो सेल वॉल है
वो पॉलीसेक्राइड्स से बनते हैं। पॉली मीन्स मैनी, ऐसा लॉन्ग चेन, और सेक्राइड्स ग्लूकोज को कहते हैं, शुगर को कहते हैं। तो ऐसे लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज से मिलकर इनका सेल वॉल बनता है यूकेरियोट्स का, जो कि प्लांट्स में मौजूद होता है, ठीक है। और फंजाई के सेल वॉल जो है वो लिग्निन से जो बनते हैं। वो कंप्लीट टॉपिक जो है वो सेल वॉल वाले में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डीएनए पे। डीएनए जो है वो इनके पास, डीएनए इज़ नेवर एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन एंड डू नॉट हैव ट्रू क्रोमोसोम्स। इनके पास जो है वो डीएनए मौजूद होता है। डीएनए इनके पास इस तरह से होता है कि हिस्टोन प्रोटीन इनके डीएनए के सराउंडिंग्स पे नहीं होते। किस तरह नहीं होते, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि डीएनए इज़ एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन दैट मेक्स क्रोमोसोम। जो ट्रू न्यूक्लस होता है, जिनके अंदर जो यूकेरियोट्स होते हैं, उनके अंदर उनका डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप्ड होता है, ठीक है, जिससे ये एक ट्रू क्रोमोसोम्स बनते हैं। कंपैक्टेड, बहुत ही कंपैक्टेड स्ट्रक्चर होता है, कंप्रेस्ड होते हैं डीएनए और हिस्टोन्स आपस में मिलकर कंप्रेस्ड होते हैं, जिसकी वजह से एक बीडीडी स्ट्रक्चर बनता है और वो क्रोमोसोम बनते हैं। ये इंशाल्लाह जो नेक्स्ट के कभी भी लेक्चर्स हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं कंप्लीट आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी, बट फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है कि इनका जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है वो एसोसिएट रहता है, बट इनका जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते इनके डीएनए के अंदर, और इनके जो है वो इनके पास क्रोमोसोम्स भी ट्रू नहीं होते। कहने का ये मकसद है कि इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए ही होता है और इनके पास ट्रू क्रोमोसोम्स भी नहीं होते, और उनके पास जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं और क्रोमोसोम्स की का बाकायदा नंबरिंग्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। प्रोकैरियोट्स के जो 7 पॉइंट है, 7वां पॉइंट ये है कि इनके पास राइबोसोम्स जो हैं वो 70S के होते हैं। ये कंप्लीट राइबोसोम वाले टॉपिक में मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा वो उस टॉपिक पे जाकर देख सकते हैं। और इनकी एग्जांपल जैसे कि ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं, और ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये बैक्टीरिया की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर। और यूकेरियोट्स का जो 7 पॉइंट है वो ये है कि ये 80S राइबोसोम्स इनके अंदर होता है। ये राइबोसोम वाले चैप्टर में मैं कंप्लीट बता चुकी हूँ, और इनके एग्जांपल में प्रोटिस्ट, एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई, बाकी के 4 किंगडम्स, टोटल तो 5 किंगडम्स हैं। तो किंगडम मोनेरा जो है वो आप यूँ समझ लें कि किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, और वो जो है वो बिलोंग करते हैं प्रोकैरियोट्स से। और बाकी के 4 किंगडम्स जो हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमिलिया, प्लांटी और फंजाई, बाकी के 4 जो किंगडम हैं वो सब के सब जो हैं वो यूकेरियोट्स होते हैं। उनके पास ट्रू न्यूक्लस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। और ये याद रहे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ वो वाले ऑर्गेनल्स होंगे जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे, और वो ऑर्गेनल्स बहुत ही गिने चुने होते हैं। इनके अंदर तो ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, बट ये याद रखना है कि इनके अंदर सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लस जो ट्रू नहीं होता, मीन्स के न्यूक्लिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, और इनके पास जो है वो राइबोसोम्स होते हैं बस, और मीजोसोम्स होता है, एक एक्स्ट्रा इनफोल्डिंग्स होती है, और प्लाज्मिड होता है, वो जो है वो बैक्टीरिया वाले चैप्टर में मैं कंप्लीट आपको क्लियर कर दूँगी। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। समझने का मकसद ये था, बताने का मकसद ये था कि आप लोगों के जहन में ये बात आ जाए कि ये डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।